नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आरकेसी टेक्नोलॉजी एंड सोन्स में। तो आज हम बताएंगे कि जेसीबी में एसी कंप्रेसर कैसे लगाएं और इसमें होस कैसे फिट किया जाता है। तो उससे पहले, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर शेयर, बेल आइकोन पर बटन पर क्लिक कर। तो इसका मैंने बेल्ट भी चढ़ा दिया है, तो आप ये देख सकते हैं। तो पूरा बेल्ट को एक बार थोड़ा चेक करके थोड़ा देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसको चढ़ाया है मैंने। तो आप ऊपर से भी देख सकते हैं, तो ये अल्टीनेटर है। तो ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें एक ये ऊपर वाला सक्शन होस है और नीचे का डिस्चार्ज होस है। तो ये वाला हमारा सक्शन होस है, तो ये वाला हमारा डिस्चार्ज होस है, जो कि हमने थोड़ा इधर तार से बांधा है। तो उसके बाद हम ये वाला इसका प्रेशर स्विच है, जो कि इसका वायर ये है। और उसके बाद इसका जो एसी का जो कॉइल का स्विच होता है, जो ये वाला है, जो कि इसमें ये वायर में लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला वायर है, तो ये वायर इसमें लगेगा। तो उसके बाद हम इसको पाइप को फिटिंग करके मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ये कैसे इसको चलाना है, उसके बाद फिटिंग करके गैस डाल के इसमें अभी मैं ऑयल डालेगा। जब भी ऑयल डालना है तो इसमें जो कि हमारा सक्शन होस का होल होता है उसमें ही ऑयल डालना होता है। या फिर एक और इसके आपको मैं दिखा दूं कि एक जहां पे कंप्रेसर के ऊपर एक बोल्ट लगा होता है, जो कि आपको शायद दिखा दे, ये आप देख सकते हैं अंदर लगा है। तो इसमें ऑयल डालना पड़ता है, अगर उधर नहीं स्पेस है तो इधर से हम सक्शन होस से डाल सकते हैं और सक्शन वाला जो होल है कंप्रेसर का उसमें डाल सकते हैं। तो आइए हम इसको पहले फिट कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम देखते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आइए चलते हैं, हम लगा के उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, अभी मैंने इसका दोनों पाइप लगा दिया है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें 16 नंबर का वोल्ट है, वो भी हमने लगा दिया है। तो उसके बाद अभी हम सप्लाई वाला वायर लगाएंगे, उसके बाद इसका जो प्रेशर स्विच है वो लगाएंगे। उसके बाद अभी हमने पूरा इसका फिट कर दिया है, तो आप ये सॉकेट भी हमने पूरा इसका लगा दिया है, और इसके बाद ये क्लंप भी हमने इसको लगा दिया है, जो पाइप ही लेना और जहाँ पर हम केबल टाई मारेंगे तो यहाँ पे भी हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद ये अंदर का जाली है और ये पाइप है, और ये यहाँ पे इसका क्लंप लगेगा, तो हम इसका क्लंप पूरा लगाएंगे। ये वाला क्लंप है, तो एक इधर है, एक दो उधर है। तो अभी लगा के उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये पूरा ओके है, अभी सिर्फ जाली लगाना रह गया है और पूरा पाइप वाइप का जो क्लंप है उसका रह गया है। उसके बाद हम इसको ओके करके चलाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसका क्लंप पूरा लगा दिया है, इसका एक बोल्ट नीचे है वो भी मैंने लगा दिया है। तो ये जाली पूरा फिक्स कर दिया। अब एक बार बेल्ट चेक कर सकते हैं, देखो एक बार बेल्ट मैंने प्रॉपर पूरा ओके कर दिया है। तो इसके बाद वो हमने उधर भी क्लंप लिया था, मैं दूसरी साइड पर आपको बता देता हूँ।